मणिपुर में विनाशकारी हिंसा पिछले 45 दिनों से लगातार जारी है। वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों ने पलायन किया, बताया जा रहा है कि स्थिति इतनी डेंजरस और सीरियस हो गई है कि एक महिला मंत्री का घर भी जला दिया गया और कल केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन जी का घर भी जला दिया गया। मणिपुर हिंसा को लेकर आग उबल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका कैसे जा सकते हैं, ये तमाम आरोप आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों पर जो है काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, देश झुलसे या उलझे उनको मतलब ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कैमरा जीवी हो चुके हैं, ये तमाम कयास आज से नहीं कई सालों से होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। ये कह दिया कि सिर्फ जनता ही परेशान नहीं है, तमाम नेताओं के भी घर जल गए, तमाम नेता भी जो है यहां पर झुलस गए। आखिर क्या कुछ कहती है कांग्रेस पार्टी की ये नेता, आप खुद ही सुनिए। सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। आज 2024 को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में विदेश मंत्री ने विकास यात्रा शुरू की है। 9 साल का भाजपा का अडानी का विकास मॉडल हम सबको पता है, हम सबको भाजपा का किया हुआ विकास दिखता है जब हम तेल डलवाने जाते हैं, जब हम दूध दही खरीदने जाते हैं, जब किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिलता पर डंडे बरसाए जाते हैं, जब नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती और वो आत्महत्या कर लेते हैं, जब कैंसर की दवाइयां लगातार महंगी हो रही हैं, हम सबको भाजपा का विकास मॉडल दिखता है। मैं भाजपा को, केंद्र सरकार को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी मोदी करने के अलावा केंद्र सरकार की देशवासियों के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। एक तरफ जहाँ वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में विनाशकारी हिंसा पिछले 45 दिनों से लगातार जारी है। वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों ने पलायन किया, बताया जा रहा है कि स्थिति इतनी डेंजरस और सीरियस हो गई है कि एक महिला मंत्री का घर भी जला दिया गया और कल केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन जी का घर भी जला दिया गया। राजकुमार रंजन जी ने तो कल ये बयान दिया कि भाजपा की राज्य सरकार मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बिल्कुल विफल रही है। कहा जाता है कि मोदी जी के एक फोन कॉल से यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक गया, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं अब तक मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल में काबू में कर पाए। मैं पूछना चाहती हूं कि इतने एडवांस्ड वेपन्स, AK-47 बॉम्ब्स जो हम सब रोज देख रहे हैं, ये कहां से मणिपुर पहुंचे। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये डिमांड करती हूं कि बीरेन सिंह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में
बिल्कुल फेल हुए हैं। मैं ये डिमांड करना चाहती हूं कि जो 50,000 मणिपुर के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनका रिहैबिलिटेशन सरकार करे और उनको मुआवजा दिलाए। मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें और बताएं कि मणिपुर में क्या स्थिति चल रही है और उनसे क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा 45 दिन से ऊपर जो ये लगातार हिंसा मणिपुर में चल रही है, उसका क्या वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह फेल रही है। जय हिंद। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से कक्कर ने यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। दर्शकों ये बात माननी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर कैसे देश के प्रधानमंत्री भारत देश के लिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ मणिपुर हिंसा जो हो रही है उससे मणिपुर नहीं पूरा देश झुलस रहा है, क्योंकि तमाम लोगों के जो परिजन हैं वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसको लेकर आज भी कई सारे परिजन ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इन दोनों मुद्दों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो अमेरिका पहुंच गए। अब देखना ये पड़ेगा इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।